नमस्कार, डेली न्यूज 360.com में आपका स्वागत है। असम के प्रदेश भाजपा मुख्यालय हेगड़ाबाड़ी में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता मुमिनुल अवाल ने कहा कि भाजपा के हाथों में ही असमिया जाति का अस्तित्व सदा सदा के लिए सुरक्षित रह सकता है। देश विभाजन के लिए जिम्मेवार कांग्रेस जैसी पार्टी असमिया जाति को सुरक्षा नहीं बल्कि बांग्लादेश में मिलाने का साजिश कर सकती है। उन्होंने कहा कि देश बंटवारे के समय प्रदेश को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश रची गई थी और आज भी यह साजिश मदनी गैंग और मुस्लिम लीग से प्रभावित नेता और वंशज कर रहे हैं। बांग्लादेश खुफिया रिपोर्ट के अनुसार जमातुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन प्रदेश में सक्रिय हो गई है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण असम को दूसरा कश्मीर बनाने की साजिश है। लेकिन भाजपा ऐसा कतई होने नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी पर प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपना नाम बदलकर मुस्लिम लीग कर लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे नेता मुस्लिम लीग में चले गए थे और कांग्रेस के पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे रकीबुल हुसैन के पिता नूरुल हुसैन ने हाथों में तलवार लेकर सड़कों पर असम को पूर्वी पाकिस्तान में शामिल कराने के लिए प्रदर्शन किया था। धन्यवाद।